बॉलीवुड में कुछ एक्ट्रेसेस को क्यूट और ग्लैमरस कहा जाता है, वही कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी होती है जिन्हें कहा जाता है बोल्ड एंड सेक्सी। विद्या बालन ने द डर्टी पिक्चर में बोल्डनेस का तड़का लगाया था। अब विद्या बालन के बाद एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा भी बड़े पर्दे पर कुछ ऐसा ही करने जा रही है। बता दें कि ऋचा चड्ढा 99 के दशक की मशहूर मलयालम अभिनेत्री शकीला की बायोपिक में मुख्य भूमिका में नजर आएंगी, जहां शकीला केरला से थी और उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी भाषाओं में कई अडल्ट फिल्मों में काम किया। वही बायोपिक में शकीला के 16 वर्षीय की आयु में फिल्म उद्योग में कदम रखने के समय से उनके पूरे जीवन की कहानी दिखाई जाएगी। बता दें कि विद्या बालन ने फिल्म डर्टी पिक्चर में अडल्ट फिल्म स्टार सल्क स्मिता का किरदार निभाया था, जबकि इस बायोपिक में ऋचा चड्ढा बोल्डनेस का तड़का लगाएंगी। बता दें कि शकीला ने 23 साल की उम्र में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। पहली फिल्म प्ले गर्ल्स में उन्होंने सिल्क स्मिता की छोटी बहन का किरदार निभाया था, जबकि शकीला की शुरुआती फिल्मों में से एक फिल्म को दोबारा रिलीज किया गया था। वही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही थी। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले। एक वक्त था जब शकीला की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि प्रोड्यूसर्स उन पर निर्भर हो गए थे। वही एक वक्त ऐसा भी आया जब शकीला के पास फिल्मों के ऑफर की कोई कमी नहीं थी और अगले 2 सालों तक उनकी डेट बुक थी। बता दें कि शकीला की फिल्में सिर्फ भारत में ही कई भाषाओं में डब नहीं होती थी, बल्कि उन्हें चाइनीज, नेपाली और कई अन्य भाषाओं में भी डब किया जाता था। एक इंटरव्यू के दौरान ऋचा चड्ढा के प्रवक्ता ने बताया कि इस फिल्म की पटकथा रोमांचक है और इसकी कहानी दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। वही फिल्म की तैयारी जल्द शुरू हो जाएगी और इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल या मई के अंत में शुरू होगी। बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन इंद्रजीत लंकेश कर रहे हैं। पिछले साल हिंसा की शिकार हुई दिवंगत पत्रकार गौरी लंकेश के ये भाई है। खैर, भोली पंजाबन के नाम से मशहूर ऋचा चड्ढा फिल्म फुकरे रिटर्न्स में नजर आई, जबकि इस फिल्म के पहले पार्ट में और इस फिल्म में ऋचा चड्ढा का अहम किरदार था। वैसे इन फिल्मों में ऋचा का कैरेक्टर काफी रावड़ी नजर आया। हालांकि फिल्म शकीला में ऋचा बोल्डनेस की हदें पार करने के लिए तैयार है, तो आप ऋचा का ये नया अवतार देखना पसंद करेंगे कि नहीं, ये आप हमें जरूर बताइए, नीचे कॉमेंट्स करिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कॉमेंट कीजिए और पिंक विला हिंदी को सब्सक्राइब करिए।